मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। रात की तारीकी में ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी अच्छे मकसद से यहां पर मौजूद नहीं है। इनकी हरकत देखकर मालूम होता है ये जराइम पेशा अफराद। मगर ये लोग हैं कौन और जो बोरी लेकर ये यहां पर आए हैं, इस बोरी में क्या है? कहीं इस बोरी में कोई इंसानी वजूद तो नहीं? अगर इस बात में हकीकत है तो फिर इस केस के पीछे छुपी असल कहानी है क्या? अरे अल्लाह की बंदी, और खाना बनाया तो दे दे, भूखा मारेगी क्या? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम जी चाचा, क्या बनाया मेरे काम का? तो मैंने क्या बनाना, तेरी चाची बना रही है पागल, और ना खाना दे रही है ना आवाज। अच्छा अच्छा, वो आप दोनों का मसला है, मैं अपने काम का पूछ रहा हूँ। कौन सा काम? और कसम वाली बात है, मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, बताया तो था उस्तानी जमीला के मकान वाली बात। अच्छा अच्छा, क्या करना है उसका तूने? मकान खरीदना है? और चाचा खरीदना नहीं, किराए पे लेना है, तुमने खुद ही तो बताया था। अच्छा भी वो आएगी तो बात करूंगा ना। कब आएगी? क्या घर छोड़ के चली गई है? यार जाना कहा उसे, वो कामों की में उसकी बेटी रहती है, उधर गई हुई है वो। और कोई आगे पीछे तो होगा? भी रिटायर टीचर है, अकेली होती है इधर, इसलिए वो चली जाती है अपने दामाद और बेटी से मिलने के लिए। देखो चाचा, कोई नंबर है तो फोन करके बुला लो। एक दो दिन देखते हैं, अगर ना आई तो फिर किसी से नंबर लेके बात करूंगा। बस अब याद रखना, भूलना जाना। अच्छा ये बता, कितने जी हैं तेरे? चाचा मैं और मेरी बीवी दो लोग हैं। काम क्या करते हो? बताया तो था, स्टाम्प पेपर का काम है मेरा कचहरी के सामने। अच्छा ये बताओ कि किराया तो टाइम पे दे दोगे ना? चाचा बस तो मकान ले दे, किराया टाइम से ही दे दूंगा आपको। अच्छा ठीक है। किसी भी मालिक मकान को एक अच्छे किराएदार की तलाश होती है, ठीक उसी तरह किराएदार को भी अच्छे मालिक मकान की तलाश होती है। पंजाब के इलाके शाहपुर की रहने वाली एक रिटायर्ड और बेवा खातून जमीला को भी इसी तरह एक अच्छे किराएदार की तलाश थी, जिनकी फैमिली छोटी हो और खास तौर पर वो किराया देने में तंग ना करे। दूसरी जानिब किराएदारों को भी मकान की अशद जरूरत थी, लेकिन मालिक मकान दूसरे शहर अपनी बेटी के घर थी। सुने, कल अम्मी शाहपुर वापस जा रही हैं। क्या जरूरत है अम्मी, यहाँ कोई मसला है तो बताएं। अरे नहीं बेटा, वो दो तीन लोगों को किराएदारों के लिए कहा है मैंने। छोड़े अम्मी, छोटा सा तो मकान है, कितना किराया मिल जाएगा? नहीं बेटा, कुछ तो मिलेगा ना, चलो तुम लोगों के काम आ जाएगा। देख ली अम्मी, वैसे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता बेटा, अच्छे किराएदार मिलेंगे तो दूंगी ना, वरना पड़ा रहे। चले जैसी आपकी मर्जी अम्मी, कल सुबह छोड़ आऊंगा आपको बस स्टैंड। हाँ तीन चार रोज में वापस आ जाऊंगी, तब तक पेंशन भी मिल जाएगी। अम्मी क्यों ऐसी बातें करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सुना कैसा है? हाँ भाई शीत, क्या हो रहा है? बस यार दिहाड़ी शेड़ी लगा रहे हैं, तू सुना। मैं अपना भी यही साहब है, वो गाड़ी सर्विस करवाने के लिए दे के आया हूँ। और कुछ कमाया भी है या सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं? और ये तो फिर साथ साथ है ना। तू सुना, मकान मिल गया किराएगा तुझे? बस यार आज यहाँ से फारिग हो गए ना, वहीं जाना है। तूने बताया था किसी बेवा का मकान है? हाँ किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, रिटायर हो गई वहां से। तो मैं तो कहता हूँ हिसाब किताब लगा के सौदा कर ले उससे। वही भट साहब, पहले शिफ्ट तो हो जाए फिर देखते हैं। तो चल जैसे तेरी मर्जी यार, चाय लाऊं तेरे लिए? बड़ा कमीना आदमी है, घुमा फिर आके अपने मतलब पे आ ही जाता है। जा पकड़ के ला दो चाय। मैं अभी लाया यार।
बेटी के घर से वापस आने के बाद उस्तानी जमीला को उसके मोहल्लेदार अकबर ने दो अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली से मिलवाया जो उसका मकान किराए पर लेना चाहती थी। जमीला को और क्या चाहिए था, उसकी मनचाही फैमिली जो किराया भी उसे वही दे रही थी जो वो चाहती थी। वो फौरी तौर पर रजामंद हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही दिन बाद ये दोनों मियां बीवी किराएदार की हैसियत से उस्तानी जमीला के घर शिफ्ट हो गए। जमीला ने अपने पास सिर्फ एक ही कमरा जेरे इस्तेमाल रखा जिसमें वो अपनी बेटी के घर से वापस आने के बाद कभी कभी रहती थी। अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, किराएदार तंग तो नहीं करता? उन बिचारों ने क्या तंग करना है कुर भाई, दो मियां बीवी तो हैं वो। अगर गड़बड़ करे ना तो मुझे बताना, सीधा कर दूंगा। हाँ अल्लाह भला करे तुम्हारा। अच्छा मुझे चाय की पत्ती और बिस्किट दे दो। अच्छा सामान भी देता हूँ। वो हमारी बेटी का क्या हाल है? वो भी बिल्कुल ठीक है, सारा दिन अपनी बेटी के चक्कर में लगी रहती है। चलो अच्छा है, वैसे तुम्हारा दामाद बहुत सुलझा हुआ आदमी है, बहुत कम बात करता है वो। बस भाई अल्लाह का शुक्र है। नासिर, आपकी अम्मी से बात हुई? आज तो नहीं, कल हुई थी। क्यों, खैरियत है? देखे ना, पहले हफ्ते भर में वापस आ जाती थी लेकिन अब 15-15 दिन तक वापस नहीं आती। भाई उनका दिल लग गया है किराएदारों के साथ। ये क्या बात हुई, किराएदारों के साथ दिल लग गया? अरे अपने बच्चों से बढ़कर हैं क्या ये किराएदार? आ जाएंगी 2-4 दिन में, तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? आप तो जानते हैं कि वो वहाँ पर अकेली होती हैं, इसलिए डर लगा रहता है। क्यों, हम बैठे हैं ना उनका हाल पूछने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैडम नूर यहाँ के गाने सुन रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब अगर इजाजत हो तो खाना ले आओ। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। अच्छा आंटी को भी बुला लो, पता नहीं उन्होंने खाना खाया कि नहीं। हाँ हाँ बुला लो बुला लो। किराएदारों और मालिक मकान के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया था कि जब भी मालिक मकान अपनी बेटी के यहाँ रहने के लिए दूसरे शहर जाती, मालिक मकान और किराएदार दोनों को इस दूरी का शिद्दत से एहसास होता। बस इसी बात को देखते हुए उस्तानी जमीला की बेटी ने अपनी माँ को एक मशवरा दिया। क्या था वो मशवरा, और इससे भी अहम बात, क्या जमीला अपनी बेटी का वो मशवरा मान लेगी? अम्मी आपसे एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि आप हमसे ना दूर होती जा रही हैं। पागल हो गई हो वहीदा, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे बड़ा डर लगता है। ये लो, बच्ची की माँ होके भी डरती हो, हुआ क्या है तुम्हें? अम्मी जब से आपने वो किराएदार रखे हैं ना, आप तो हमें याद भी नहीं करती हो। ये कैसे हो सकता है भला, मैं तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ? अम्मी मैंने जो महसूस किया है आपको बता दिया, अब आप उस घर में नहीं जाएंगी, बस कह दिया। देखो बेटा वो घर तुम्हारे अब्बू की निशानी है और तुम भी, ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना उसको। अम्मी छोड़ दे उस घर को, बेच दे, मैं अब आपको उस घर में नहीं जाने दूंगी। अच्छा अच्छा मुझे थोड़ा टाइम तो दो मेरा बेटा, इसमें रोने की कौन सी बात है? अगर आप हमसे प्यार करती है ना तो आप यहीं आ जाए हमारे पास, बच्ची भी उदास हो जाती है आपके बगैर। तुम लोग भी तो मेरी जान हो,
जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा। मैं आज ही बात करती हूँ, अल्लाह करे मकान का सौदा जल्दी हो जाए। बस अब खुश हो ना। हमारा घर अपना होना चाहिए, देखी तो होगे ना। मैंने तो घर 12 लाख से कम पे बेचना नहीं था। मुबारक हो, अम्मी वाला मकान 11 लाख में बिक गया है। नहीं, हमने तो कल सुबह उन्हें मकान की पेमेंट की है, उसके बाद वो नजर नहीं आई। बताएं, मकान बेच रहे हैं आपने? मगर इतनी जल्दी, खैरियत तो है। अच्छा, मगर थोड़ा सा टाइम तो दे दें। यही मेरा मतलब है, कोई 4-6 महीने। अच्छा, आप वापस आ गए हैं या अभी अपनी बेटी के घर में ही हैं? अच्छा, कब आना है आपने? ठीक है आंटी जी, आप आ जाए फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। ठीक है जी, खुदा हाफिज। मेरा तो बस एक ही शौक है, हमारा घर अपना होना चाहिए, देखी तो होगे ना। हाँ, पहले तुम शादी का वादा पूरा करो, घर दिलाने का वादा मेरा। बस ठीक है, अब अपनी वादे से फिर ना जाना, मर्दों का वैसे भी कोई एतबार नहीं होता। नहीं, ऐसे कभी हो सकता है? लॉटरी निकल आई है क्या? और नहीं यार, अपनी किस्मत ऐसी कहाँ है। बस कुछ याद आ गया था। और कुछ मुझे भी बता दे, और यार मैं भी खुश हो लूं। बताऊंगा, टाइम आने दे। तू सुना, सवेरे सवेरे किधर? और बस यार, अड्डे पर खड़ा खड़ा बोर हो गया था, सवारी है नहीं है, मैंने सोचा अपने यार को ही मिलता जाऊं। ठीक है, बैठ फिर, आ गया तू। हाँ, बात है। अच्छा शीर यार, उस्तानी जमीला अपनी बेटी से ये वादा करके घर से निकली कि वो उसके कहने के मुताबिक अपना मकान बेचकर एक हफ्ते बाद उसके पास वापस आ जाएगी। शाहपुर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने किराएदारों से उसका मकान खरीदने की बात की, जिसे उन्होंने फौरी तौर पर मान लिया। मगर यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या वो मकान खरीदने के अहल हैं भी या नहीं? क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ये मकान खरीद सके? अब देखना यह है कि क्या उनके दरमियान ये सौदा तय
आ जाएगा। मेरे ख्याल में 11 लाख रुपए मुनासिब कीमत है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा है। इतने पैसे कहाँ से होंगे? मैंने तो घर 12 लाख से कम पे बेचना ही नहीं था, वो तो अकबर भाई ने कहा तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं 11 लाख कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, जितनी हो सकते हैं उतनी कर देते हैं, बकाया टाइम ले लेंगे। क्यों आंटी? नहीं बेटा, मैं टाइम नहीं दे सकती, मैंने घर नकद ही बेचना है। अच्छा ऐसा करते हैं, 9 लाख रुपए हम आपको परसों दे देते हैं, बकाया 2 लाख जो है एक महीने तक दे देंगे। हाँ चलो बहन, एक महीने का टाइम तो ठीक है, चुटकी बजाते महीना गुजर जाएगा। चले ठीक है, ये भी मेरे बच्चे ही हैं, इनका घर बन जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बस 2-3 दिन में आपको 9 लाख रुपए की पेमेंट कर दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है अकबर चाचा। अरे भाई मेहरबानी वाली क्या बात है, मकान का सौदा करवाया है, पूरे 10,000 रुपए लूंगा। तो क्यों नहीं अकबर चाचा, आपको मिलेंगे, ऐसी कौन सी बात है। शहर बनो, चाचा जी के लिए और आंटी जी के लिए चाय तो बनाओ। क्यों नहीं, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। अच्छा चले, मैं भी अपने दामाद और बेटे को बता दूँ। हाँ हाँ बताए, जरूर बताए। मम्मी कैसी हैं आप? अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी इधर ही है, किचन में है, मैं अभी बुलाता हूँ। वहीदा, वहीदा मम्मी का फोन है, जल्दी आओ। पेमेंट हुआ मुझे बता दें, मैं आ जाऊंगा। देख लें हालात ठीक नहीं है। कैश पेमेंट कर रहे हैं या? जी जी आप पूछ लें। अम्मी का फोन है। मुबारक हो, अम्मी वाला मकान 11 लाख में बिक गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब हमारी अम्मी तो हमारे पास वापस आ जाएंगी ना। जी अम्मी 9 लाख रुपए कैश दे रहे हैं। देख लें अम्मी, रकम बहुत ज्यादा है और आपने बैंक भी जाना है साथ लेकर, आप मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ठीक है अम्मी, ये आप वहीदा से बात कर लें। जी आंटी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ले लें। हाँ बेटा, एक दो दिन तक मैं फिर बात करूंगी तुम्हारे साथ। अल्लाह हाफिज़। जमीला तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे मकान का सौदा होने की खुशी में मिठाई तुम्हें मैं खिलाऊंगा। इसके अगले रोज उस्तानी जमीला की फोन पर अपनी बेटी और दामाद से सिर्फ एक मर्तबा ही बात हुई, उसके बाद वो कहां गई कुछ पता नहीं चला। दामाद और बेटी ने उसे तलाश करने की और राब्ता करने की बेहद कोशिश की, मगर उसका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा था। बावजूद बेपनाह कोशिश करने के ना उसका कहीं पता चला और ना ही उसके मोबाइल फोन पर उससे राब्ता हो रहा था। बस ये सारी सूरत हाल देखते हुए दामाद ने फैसला किया कि वो अपनी सास के घर जाकर उसे तलाश करेगा। जी किसे मिलना है आपने? जी मैं उस्तानी जमीला का दामाद हूँ, उनसे मिलना।
उनके बैठक का दरवाजा नॉक करें, अंदर ही होंगे वो। काफी देर तक बजाता रहा दरवाजा लेकिन लगता है अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा, कहाँ जा सकती हैं वो? आप कुछ बता कर गई? नहीं, हमने तो कल सुबह उन्हें मकान की पेमेंट की है, उसके बाद वो नजर नहीं आई। कितनी पेमेंट की थी आपने? 9 लाख रुपए। दुकान से पता कर लें, शायद उन्हें कुछ बता कर गई। जी मैं पता कर लेता हूँ। आपके शोर से बात हो सकती है? जी आप उन्हें कॉल कर लें। नंबर प्लीज बता दें। जी 0303। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, जहाँ उनका अकाउंट है वहाँ पता करना था। जब कोई मर्जी के खिलाफ काम हो जाता है तो बाकी लेकर ही बचती है। ओ जी सर, इसे इसकी भाभी ने नाश्ते के लिए रोक लिया था, ये तो आंटी के कोई 2 घंटे बाद में गया है। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ नासिर बेटा, कैसे हो? बस ठीक हूँ चाचा। भाई मसरूफ आदमी हूँ, वैसे कहाँ आते? बाजी जमीला ने बुलाया होगा? बुलाया नहीं चाचा, कल से उनसे रब्ता नहीं हो रहा। क्या मतलब? कल सुबह तो शायद वो मुझसे सौदा लेके गई थी। कितने बजे आई थी? भाई टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कल ही आई थी, आज नजर नहीं आई। उनके किरायेदारों से पूछा है, वो कह रही थी कल 9 लाख की पेमेंट की थी, उसके पास से नजर नहीं आई। कल पेमेंट की थी तो फिर वो कहाँ चली गई? पता नहीं चाचा, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, जहाँ उनका अकाउंट है वहाँ पता करना था। उधर भी जाता हूँ, मैंने सोचा पहले मोहल्ले से पता कर लूँ। जरूर बेटा, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है चाचा। लाख रुपए की रकम के साथ एक रोज पहले उस्तानी जमीला अचानक कहीं गायब हो गई। तलाश करने के बावजूद उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। दामाद ने बेहद कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश का नतीजा नाकाम। और उसी दिन से उस्तानी जमीला का मोबाइल फोन भी बंद जा रहा था। अब शक ये पैदा होना शुरू हुआ कि किसी ने रकम की मुखबरी पर उस्तानी जमीला को अगवा तो नहीं कर लिया। इस शक के जहन में आते ही दामाद ने फैसला किया कि वो सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतलिका थाने में दर्ज कराए। आप क्या करते हैं? सर मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री का एडमिन सुपरवाइजर। इतनी तो आपको सेंस होनी चाहिए ना, 9 लाख की रकम कोई कम तो नहीं होती। सर मैं समझता हूँ, मैंने अम्मी से कहा भी था कि पेमेंट आने से पहले मुझे बुलवा लें, लेकिन जब कोई मर्जी के खिलाफ काम हो जाता है तो बाकी लेकर ही बचती है। सर देखें हम बहुत परेशान हैं, आप बताएं क्या हो सकता है। पर्चा कटेगा मेरे भाई, और क्या हो सकता है। अच्छा इस तरह करो कि इन्हें मुहर्रम के पास ले जाओ और किराएदार को बुलवा लो। यस सर। उस्तानी जमीना को कितने बजे पेमेंट की थी? यही जी कोई कल सुबह 10-11 बजे। उस वक्त कोई हुआ मौजूद था? बिल्कुल जी, मेरा दोस्त है टैक्सी ड्राइवर वहीद। कितनी देर में आ सकता है यहाँ पर? यही कोई 10-15 मिनट में। तो फिर जल्दी से बुलाओ उसे। अच्छा जी, इसीलिए मैंने पक्का काम किया था, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं और अंगूठे का निशान भी। तो ठीक है, किसी ने तुम पर शक किया? नहीं जी।
हम पर रहम कर दे। या अल्लाह बस मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए, वो जहाँ कहीं भी है बस उसका पता चल जाए, हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दे मेरे मालिक, हमें माफ कर दे। इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा ही। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। बैठे आप। सर ये वही है। हाँ भाई, भाई क्या हाल है? जी साहब जी, अल्लाह का बड़ा करम है। पता तो तुम्हें चल ही गया होगा कि उस्तानी जमीला गायब हो गई है। जी सर, अभी अभी फोन करके बताया रशीद ने। रशीद ने तुम्हें गवाही के लिए बुलाया था या तुम पहले से घर में मौजूद थे? ओ, नहीं सर, सुबह कोई 9 बजे फोन करके बुलाया था। ये बताया था क्या काम है? नहीं साहब जी, पहले पता नहीं था, जब इसके पास आया तब पता चला गवाही का। पेमेंट और साइन करने के बाद घर से पहले तुम निकले थे या स्थानीय जमीला? ओ जी सर, इसे इसकी भाभी ने नाश्ते के लिए रोक लिया था, ये तो आंटी के कोई 2 घंटे बाद में गया है। ठीक है, आप तीनों इस पर अपना फोन नंबर लिख दें, जरूरत पड़ी तो रब्ता करूंगा। ठीक है, अब आप दोनों जा सकते हैं, ये स्टाम्प पेपर फिलहाल मेरे पास छोड़ जाएं। बड़ी मेहरबानी सर, रब रखा। साहब जी बड़ी मेहरबानी, सलाम अलैकुम। ठीक है, अब आप भी आराम से घर जाएं, 2-4 दिन लगेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, आपसे फोन पर रब रहेगा। पुलिस ने जब स्टाम्प पेपर पर लगे हुए उस्तानी जमीला के अंगूठे के निशान की जांच के साथ साथ तीनों का मोबाइल डाटा भी निकलवाया तो वहीद और रशीद के बयानात का तजाद खुलकर सामने आ गया। उस मोबाइल डाटा के मुताबिक इन दोनों की आखिरी बात रात 12 बजे रिकॉर्ड की गई थी, जबकि वहीद के मुताबिक उसको रशीद ने सुबह 9 बजे फोन करके बुलाया था। बस इसी शक की बुनियाद पर पुलिस ने वहीद को हिरासत में ले लिया। कितने बजे फोन किया था रशीद? साहब जी यही कोई रात 12-12:30 बजे। तो पहले झूठ क्यों बोला तुमने? गलती होगी सर का। कितनी आसानी से तुमने कह दिया गलती होगी सर। साहब जी बोरी में बंद करके बिरानी में फेंक दी थी, रशीद भी मेरे साथ था। कैसे किया?
और कौन कौन शामिल है इसमें? साहब जी, रशीद की बीवी शहर वाले ने रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर जमीला को दी थी। फिर वो सो गई तो तकिया दोनों ने उसके मुंह पर रख के कत्ल कर दिया और मुझे फूर कर दिया। ताकि तुम्हारी टैक्सी में डालकर उसे ठिकाने लगाया जाए। क्यों, ऐसा ही है ना? जी सर। अब ये बोलो कि रकम किधर है? साहब जी, रकम दी गई अपनी रशीद ने। क्या मतलब है तुम्हारा? है साहब जी, वो कगला आदमी है, उसके पास इतनी रकम कहां से आई? इसीलिए ना ही तो उसने अकबर और ना ही किसी मल्लेदार को गवाही के लिए बनाया। बोलो तुमने क्या लालच दिया है? साहब जी, 1,00,000 तेरे का वादा किया था। कहाँ से लोगे 1,00,000 रुपए? किसी से नहीं साहब जी, गलती होगी, माफी दे दे। वसीम। जी सर। फोन करके खतून के दामाद को बुलाओ सुबह, और दोनों फ्राइडे मियां बीबी को अभी रेस्ट करना है। कैरी करो। ओके सर। अरे सुनती हो? और सुबह सुबह खबर सुन ले। अच्छी हो तो सुनाना। उस्तानी जमीला को मार दिया मनुष्यों ने। किसने मार दिया? अरे उसके किराएदारों ने। दोनों मियां बीवी कितने मासूम लगते थे। इसी भी कहते हैं किसी की शक्ल पर नहीं जाना चाहिए। दोनों पकड़े गए रात में ही, और उसका दोस्त वहीद भी। अच्छा है ना, अब सारी उम्र जेल की हवा खाएंगे, घर तो इधर ही रहेगा। पर इंसान कब समझता है इन बातों को। आज के इस केस में गुनहगार कौन है? माँ को मकान बेचने का मशवरा देने वाली बेटी, या फिर सौदा कराने वाला मोहल्लेदार अकबर, या अपने दोस्त का लालच में आकर साथ देने वाला वही, या फिर दोनों मियां बीवी जिन्होंने हाथ में पैसे ना होने के बावजूद मकान अपने नाम पर करने के लिए ये सारा खेल खेला। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहे, क्योंकि किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। जागिए और अपने आसपास होने वाले हर जुल्म, हर जुर्म की आवाज बुलंद कीजिए। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें, या फिर अपनी आवाज फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाइए। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।